जो व्हाइट लाइट है ना, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। पानी कितना सही लग रहा है। मैड ओवर का सेट आ चुका है, क्रैश गार्ड ये मैंने बोला था वो फिट हो चुका है, ये रॉयल इनफील्ड की तरफ से है। और तो और क्या सेट है, हाँ ये देखो, ये मैंने बोला था नकल गार्ड, ये भी आ चुके हैं। बस इतना ही करना था, अभी और लाइट्स आने वाले हैं, वो ये बाद में फिट कर देगा, तो अभी के लिए इतना ही है। और ये भी देख लो एक बार, और इसे भी देख लो एक बार। कुछ नहीं, पहले टेस्ट कर रहा था कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा क्वालिटी का दिया है, तो ये देखो टेस्टिंग कर रहा था। और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैचेस है और ये वाला बस, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। ये एक निकला था वो फिट कर दिया है क्या, अभी रॉयल इनफील्ड का क्वालिटी टेस्ट कर रहा था मेरा दोस्त। और ये भी, ये नया फिट है ना, तो इसका भी क्वालिटी टेस्ट कर रहा था। और कुछ किया क्वालिटी टेस्ट? बस कुछ नहीं हुआ, इतना भी मजे मत डाल। नहीं बस, तुम तो मेम मटर बना रहे हैं मेरे को से। क्वालिटी टेस्ट ब्रो, अभी रॉयल एनफील्ड इतना खर्चा कर रहा है तो क्वालिटी तो बनता है ना, अच्छा क्वालिटी है लेकिन अप्रूव्ड। हे एवरीवन, क्या चल रहा है? तो मेरा नाम है प्रण और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्परफेक्टली परफेक्ट वाइफ्स में। तो आज अभी टाइम हो रहा है, पहले तो टाइम बता देता हूँ, इट्स 12:14, कैसे दिखाऊँ, देख लो 12:14 रात के हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं मरीन्स। तो मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, वैसे इसको आपने पहले भी देखा हुआ है बट फिर भी ये स्पेशल है, देख लो। हर बार मैं ही दिखता हूँ तेरे को, मेरा प्यारा दोस्त। मीम मटर बना के रखा है तूने। तो इसके साथ मैं जा रहा हूँ, हम लोग मरीन्स जा रहे हैं बेसिकली, तो कार से जा रहे हैं। कार इसके दोस्त की है, इसकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, हम गरीब है वैसे तो, लेकिन इसके दोस्त की कार है। तो क्या नाम है, वैभव ना? वैभव पाटिल। अच्छा, तो वैभव अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई थैंक यू कार के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मरीन्स, अभी मैं हूँ कल्याण में आया था गाड़ी लेने, फिर अभी मैं यहाँ से निकलूंगा मरीन्स के लिए। तो मरीन्स का रास्ते मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मरीन्स सिर्फ रात में जाने में मजा है। मुंबई में अगर आपको ड्राइव करना है तो आप सिर्फ दो टाइम पे ड्राइव कर सकते हो, एक तो बहुत लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग। दिन में आप ड्राइव नहीं कर सकते मुंबई में, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि नहीं कर सकते भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी हम लोग फटाफट जाते हैं, मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ जो भी दिखेगा, वैसे कुछ दिखने तो वाला नहीं है, हम लोग की बक्सोदी देख लो बस थोड़ी बहुत जो भी होगी, और मरीन्स दिखाता हूँ। आज है सैटरडे नाइट, तो सैटरडे नाइट को मरीन्स पे बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, तो वो भी देखते हैं। अभी फटाफट निकलते हैं, ये है गाड़ी अपना और ये बैठा मेरा प्यारा दोस्त, और निकलते हैं अभी फटाफट क्योंकि लेट हो रहा है। वैसे तो हमेशा का ही है, हम लोग का प्लान कुछ और था और लेट हो गया। That's why we love Mumbai. मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये ट्रैफिक में। क्या ही बोलना? टाइम देखा? क्या ही बोलना? टाइम देख लो एक बार। 11:16? 11:16 नहीं, अंधे। ओह सॉरी। 1:16। नशा हो गया। ट्रैफिक का नशा। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग अभी कितना है अपन? 2-3 किलोमीटर आए रहेंगे, मजा आ रहा है। इसके लिए हम लोग नाइट में निकले थे और वो भी लेट नाइट, और अभी भी लगी पड़ी है। कुछ नहीं, और 2 घंटा पहुंचे तो पहुंचे, नहीं तो यूटर्न मार के आ जाएंगे। यूटर्न मार के घर वापस भी लग रहा है, पत्ते खेलने बैठ जाते इधर ही पीछे वाले सीट पे। नाव तो टाइम हो रहा है, क्विक टाइम चेक 2:31। क्या उल्टा उल्टा कैसे लिखा, और अभी हम लोग पहुंच गए मरीन्स। कुछ नहीं पहुंचे, अभी थाना ही पहुंचे सिर्फ। और कितना गंदा ट्रैफिक था ना, वाट लगी पड़ी है, ये देखो मरा पड़ा है। ये टाइम पे हम लोग सोच रहे थे हम लोग मरीन्स होंगे और हम लोग जा रहे थे ड्राइव एंजॉय करने, अभी लगी पड़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से निकल गया। आगे रोड थोड़ा खाली है अच्छा खासा, तो अभी निकल सकते हैं फटाफट। ये देख लो अभी इधर से रोड खाली है, वो लेन पे ट्रैफिक हो गई है अभी, फटाफट देखते हैं क्या होता है, कब पहुँचेंगे मरीन्स। इतना पास है मुंबई में, फिर भी ठीक है, चलेगा, निकल। हाँ, निकलने से पहले मेरे दोस्त इसको पकड़, थोड़ा लंकड़न का है क्या, कैमरा कवर मत कर। सॉरी मरीन्स पे देने वाला था लेकिन कब पहुंचेंगे पता नहीं। टकला में समकर लेकिन मेरा इसमें तो मेरे डिकरे आ लो, तुम्हारा गिफ्ट साथियों भाऊ।
नाटक मत कर रहा है। उसने बोला कि ये तेरे को अच्छा लगेगा इसके लिए लिया। नहीं ये कान में चुभेगा है। अभी हम लोग निकलते हैं। लेट हो चुका है। लेट अभी क्या ही लेट बताऊँ मेरे को नींद मेरी नींद भी उड़ गई इतना लेट हुआ है अभी तो। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है ऐसे समझ नहीं रहा लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अभी रोड खाली आगे तो खींचते हैं फटाफट। अभी जे जे फ्लाईओवर अभी 10 मिनट में मरीन ड्राइव पहुंच जाएंगे। टाइम बता दोस्त क्या हो रहा है? 324 टाइम हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। क्या ही बोलूँ इसके बारे में। गाने सुनते जा रहे हैं, बारिश हो रहा है बीच बीच में। हाँ बहुत टाइम लगा वो उधर ट्रैफिक मिला ना 3.5 घंटा वो ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा टाइम लगा। और पूरा ट्रक ट्रैफिक था जिसमें हम लोग निकाल भी नहीं सकते थे गाड़ी, कुछ ऑप्शन भी नहीं था। तो कुछ नहीं अभी क्या कर सकते हैं, जो है वो है, चलते हैं। पूरा सीएसटी स्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट। अभी आपको आगे देखने मिलेगा सीएसटी स्टेशन। पहुँच गए फाइनली, ये मरीन्स है। अभी दिख नहीं रहा है, रात है इसके लिए, बट आगे पूरा इसके आगे पूरा समंदर है। पहुंच के सिग्नल है क्या? अच्छा सिग्नल बंद है ना। सिग्नल देख लाल नहीं बंद है, पिक पिक कर रहा है ना ब्रो, मतलब बंद है। रात के टाइम पे बंद ही रहता है मोस्टली। ये है इस ये एरिया को बोलते हैं बेसिकली मरीन ड्राइव। क्वींस नेकलेस भी आपने सुना होगा नाम, तो क्वींस नेकलेस भी इसे बोलते हैं। साइड में इधर ही था ये पूरा एरिया ना, ये मरीन ड्राइव। इसके वो साइड में समंदर है और सारे फेमस होटल यहाँ पे है। यहाँ पे जितने भी होटल्स लेना ना सारे यहाँ पे। ये पूरा ड्राइव वाला एरिया है। तो अभी हम लोग लेट पहुँचे इसके लिए इतना खाली है, नहीं तो सैटरडे नाइट को ये कभी इतना खाली मिलता नहीं। देख लो द वेरी फेमस ट्राइडेंट होटल ऑफ मुंबई। जो आतंकी हमला हुआ था वो इधर ही हुआ था। और यहाँ पे रूम्स बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा। चेक कर लेना नेट पे, समझ जाओगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा क्लास है। ये है एयर इंडिया वाला बिल्डिंग और वो साइड में द ओबेरॉय छोटा वाला। और ये मतलब एक ही है दोनों भी, ट्राइडेंट ओबेरॉय सेम है। और हम लोग इधर बैठे हैं। वेदर देखो, बारिश नहीं हो रहा है इसके लिए बैठे हैं। अगर बारिश हो रही होती तो हम लोग गाड़ी में ही होते। और ये है पूरा मरीन ड्राइव। तो अभी फटाफट करते हैं इसका गिफ्ट अनबॉक्स। खोल ले क्या है। हेडफोन तो है, क्या ही अनबॉक्सिंग करना। ये इसका बर्थडे गिफ्ट है और साइली ने दिया है इसको। कौन सा? वो तो अभी है नहीं लेकिन मेरे पास रखा हुआ था, हम लोग ने मॉल से लिया है। ये इधर से रिलायंस डिजिटल। कौन सा साइलीपन? और अभी क्विक टाइम चेक 429। क्या यार क्या पूछ रहा है? उल्टा सुल्टा दिखा रहा है। वो साइली कौन है? ओपन कर। वो तो पूछ रहा हूँ साइली कौन है। साइड में पूरा मरीन से हम लोग वही बैठे थे। अभी थोड़ा सुसु आ गया तो हम लोग आगे जा रहे हैं सुसु करने के लिए। किसे आया सुसु? हाँ सब मैंने किया है, सब गलत काम मेरे पे आ रहा है। और अच्छा लग रहा था, बारिश नहीं था, सुकून बहुत है। मरीन पे आओगे ना तो सुकून बहुत है। और यहाँ पे आओगे ना तो देखना कि मुंबई कभी नहीं सोता, ये सच है। और ये जो भीड़ देख रहे हो ना ये यहीं पे रहती है हमेशा। और सैटरडे नाइट को बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, सुकून में सो जाते हैं और सुबह उठ के अपने घर चले जाते हैं या फिर काम पे चले जाते हैं। डिपेंड। इन लोगों ने चार्जर नहीं लिया छोटा? क्या 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 दिया है? नहीं दिया दिया है ना छोटा सा दिया है दिया है। मैं अलोपोजी अपोलोजी नहीं अलोपोजी। फोन किधर है? हेडफोन ही नहीं दिया क्या? दिया दिया वो दिया पैसा उसी का तो दिया है। दिया है दिया है। मेरे को लगा कि इन लोग ने केबल तो देना मांग दिया है।
अच्छा दिया है ना। हाँ ये देखिए एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी दिया है। अरे हम लोग ने ओपन करके देखा है और देख लो तो मरीन्स ना तीन तरीके के लोग आते हैं। एक तो जो बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट करने आते हैं, घूमने आते हैं। एक होता है जिनका दिल ना बहुत भरा हुआ होता है तो वो यहाँ पे सुकून के लिए आते हैं। और तीसरे हम जैसे जिनका कुछ रीज़न नहीं होता, हमको बस ऐसे ही घूमना होता है तो हम लोग आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत सुकून भी चाहिए होता है तो आ जाते हैं। बाकी इसको पता है और जिसको पता है उसको पता है, और ज़्यादा बता नहीं सकते वीडियो में, लेकिन जो होता है वो सबको पता है। कल किसी का मैसेज आएगा तेरे को, याद रखना। तो देख तो कल दर्द दिख रहा है, ये लाइन में दर्द दिख। ये पूरा ड्राइव है और यहाँ पे ना रात को ड्राइव करने में ही मजा आता है। दिन में ना थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही होता है, तो सीधे का जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ना उसके वजह से ज्यादा ट्रैफिक होता है। और यहाँ पे आपको सारी महंगी महंगी गाड़ियां देखने मिलेगी जितनी भी है, मतलब मोस्टली सैटरडे नाइट को लोग यहाँ पे आते हैं अपनी महंगी महंगी गाड़ियां। मुंबई का फेमस सीलिंग, हम लोग यहाँ पे आए थे हम आप लोग को दिखाने के लिए। नाइट में क्या रहता है, पूरा खाली रहता है, बट अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ रही है तो कुछ नहीं दिखने वाला। हम लोग को नीचे क्रॉस करके घर निकल जाएंगे। यहाँ पे आए तो पूरा रोड खाली है, और हम लोग को दो तीन बाइक वालों ने बोला कि आगे पूरा रोड जाम है तो आगे मत जाना। तो हम लोग ने ऐसा उधर से ही घुमा के सब लोग को साइड हटा के हम लोग ने उधर से गाड़ी घुमाया। तो क्विकली टाइम चेक, अभी बज रहा है 7:15 7:16 और दिख रहा है, हाँ 7:16 उल्टा दिख रहा होगा। और अभी हम लोग कल्याण पहुंचे वापस सीएनजी फुल करवाने, और फिर यहाँ से मैं निकलूँगा घर पे, ये भी जाएगा अपने घर पे, ये दोस्त की गाड़ी है तो उससे पहले रिटर्न कर देंगे। और बस अभी तो और कुछ नहीं है, थोड़ा बीच में रुक के हमने खाया था, बहुत लेट हो गया क्योंकि रोड बहुत जगह बंद था। तो अभी क्या बोले इसके लिए, कुछ नहीं, अभी बस घर जाके आराम करना है, बहुत टाइम बाद नाइट मारी है। वो देखो उसको लिया नहीं है मैंने अंदर, सज़ा तो बनती है, ट्रैफिक वाले रोड से लेके आया तो सज़ा तो बनती है। ठीक है चलेगा, अभी यहाँ तक देख ही लिया है तो टाटा बाय बाय और थैंक यू सो मच बाय।